अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं WM TV। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल WM TV। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरे कुछ व्यूअर्स ने अपनी प्रॉब्लम्स शेयर की थी मेरे साथ कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में जो टफ स्टेन्स होते हैं, ज़िद्दी दाग होते हैं, बुरी तरह से जो जम चुके होते हैं, वो नहीं उतरते, तो आप उनको किस तरह से रिमूव करती हैं। आज की वीडियो इसी टॉपिक पे मैंने बनाई है कि ये जो टफ स्टेन्स होते हैं इनको मैं किस तरह से रिमूव करती हूँ, इनके लिए कुछ हम टेक्निक यूज़ करते हैं, तो चलिए वो आपके साथ शेयर करते हैं। ये देखिए बैन है एक शर्ट का, ये जेंट्स के कपड़े हैं, गर्दन पर पसीना आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉलर पर बैन पर मैल जम जाती है, और ये कुछ और भी कपड़े हैं, गर्मी की वजह से ज़्यादा स्पेशली ख़राब होते हैं कपड़े। ये देखिए नॉर्मली कपड़े इतने मैले नहीं होते, लेकिन ये इस तरह के वेदर में जैसा कि आजकल चल रहा है, बहुत ज़्यादा स्टेन्स जल्दी से लग जाते हैं और मैल चैल भी कपड़ों पे बहुत ज़्यादा जम जाती है। ये पॉकेट्स जहाँ बार बार हाथ डालने से ये आउटसाइड इसकी इस तरह से मैली हो जाती हैं, तो रगड़े बगैर हम इनको किस तरह से साफ़ करेंगे ये आपके साथ शेयर करते हैं। आमतौर पर जो मैनुअल मशीन होती है उसमें ब्रश मारा जाता है ऐसे कॉलर्स पे, तो हमने ब्रश यूज़ नहीं करना, हम डिटर्जेंट के साथ क्या यूज़ करते हैं देखते हैं। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा मैले हैं ये कॉलर्स, यूनिफॉर्म्स हैं बच्चों की, इन पर भी कॉलर्स पर काफ़ी ज़्यादा ये मैल कुचैल जम चुकी है, बाजू और कोनियों पर, एल्बोज़ पर, शर्ट्स काफ़ी गंदी हो चुकी हैं, तो हमने इनको साफ़ करना है। मैं नॉर्मली मशीन में साबुन यूज़ नहीं करती, मैं सिर्फ सर्फ ही यूज़ करती हूँ, लेकिन ये कि सर्फ थोड़ा सा मियारी होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। मैं कौन सा यूज़ करती हूँ तो मैं इसमें आमतौर पर सिर्फ XL ही यूज़ करती हूँ। और ये कपड़े भी देखिए मैंने हर तरह के कपड़े डाले हैं, कलर्ड कपड़े हैं, जेंट्स के कपड़े हैं, लॉन के कपड़े हैं, कुछ सेंसिटिव हैं, यानी मैंने इनको सेपरेट नहीं किया। आमतौर पर एक दफ़ा जितने कपड़े उतरते हैं वो सारे मैं एक ही चक्कर में वॉश कर लेती हूँ। एक कप मैंने यहाँ इसमें सर्फ XL ऐड कर दिया है, और इसके साथ हम ये ज़िद्दी दागों को उतारने के लिए कुछ और भी यूज़ करेंगे, एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, और वो है हाइड्रोजन परऑक्साइड ब्लीच। ये भी ब्लीच ही की एक किस्म है, लेकिन ये अच्छी सेंसिटिव ब्लीच है, ये कपड़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करती है, कलर कपड़ों के कलर भी नहीं इससे ख़राब होते। ये छोटी वाली बॉटल जो होती है आमतौर पर 30 से 35 रुपीज़ की मिल जाती है, तो ये कपड़ों को और ऐसे मैले दागों को साफ़ करने के लिए बहुत ही बेहतरीन रहती है। ये देखिए इसे मैंने नॉर्मल पर ही रखा है, इसमें डीप क्लीनिंग भी है और हैवी क्लीनिंग भी है, लेकिन वो 70-80 मिनट का चक्कर लग जाता है, तो इतनी देर तो मैं मशीन को नहीं चलाती। मैं नॉर्मल पे ही इसको सर्फ डालकर और ब्लीच डालकर ये वाली साफ़ करूँगी। तो वाटर लेवल मैंने 8 कर लिया है, कपड़े अच्छी तरह से डूबे हुए हूँ, और जो मेन चीज़ है वॉश टाइम, इसको मैंने इंक्रीज़ किया है। ये इसमें 15 मिनट का वॉश टाइम है, तो मैंने इसको इंक्रीज़ करके 20 मिनट कर लिया है। अब ये 20 मिनट वॉश होंगे, और रिंस जो है वो इसमें 2 दफ़ा सेटिंग थी, तो एक ही दफ़ा हम रिंस करेंगे, बहुत ज़्यादा बार बार रिंस करने की ज़रूरत नहीं है। और अब ये टोटल बने हैं 42 मिनट्स, तो बजाय इसके कि 1.5 घंटा ये मशीन चले, ये जस्ट 42 मिनट्स में ये हमारे इतने ज़िद्दी दागों वाले कपड़े भी इजीली वॉश हो जाएंगे। ये देख रहे हैं आप 33 मिनट पे रिमेनिंग है, और वाटर लेवल आप चेक कर लें, वाटर लेवल इतना होना चाहिए कि आपके कपड़े अच्छी तरह से डूबे हुए हों। अगर कपड़ों की तादाद ज़्यादा है तो वाटर लेवल ज़रूर इंक्रीज़ किया करें, खुले पानी में कपड़े वॉश करें तो कपड़े ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे साफ़ होते हैं। रिंस बेशक एक दफ़ा कम कर लें, रिंस को मैंने सिर्फ एक दफ़ा ही किया है, यानी एक दफ़ा रिंस करने से अब ये कपड़े अच्छे से वॉश हो चुके हैं। ये देखिए मैं निकाल के आपको इनके कफ और कॉलर्स दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने ब्राइट क्लीनिंग हुई है इनकी। कफ देखिए अंदर से ये वही मैले कॉलर्स हैं, ये देखिए ये जो सबसे मैली और गंदी शर्ट थी ये उसका कॉलर है बैन, और ये देखें जिसकी पॉकेट और जिसपे पड़े हुए बड़े स्टेन मैंने आपको दिखाए थे, देखिए आप खुद देख सकते हैं कि ये मैंने इसमें ब्लीच जो है वो मैंने 6 टेबलस्पून इसमें ऐड किया था, हाइड्रोजन परऑक्साइड ब्लीच जो है वो मैंने 6 चम्मच इसमें ऐड किया था। और ये देखिए माशाल्लाह से एक चक्कर में ये मैंने ये सारे कपड़े एक ही चक्कर में वॉश किए हैं, और ब्राइटनेस आप इनकी देख सकते हैं, और ये मिक्स कपड़े हैं।